लगभग 24 घंटा से एक प्रेमिका जिसका नाम रोजी खातून है वह इस दरवाजे पे धरना दे रही है। देखिए पूरा हुजूम है गांव का और 112 की पुलिस जो है यहां मौके पर पहुंची हुई है। यहां से फोन गया था कि एक लड़की जो है यहां पे प्रेमिका जो अपने प्रेमी के लिए इस घर पे धरना प्रदर्शन दे रही है। देख सकते हैं पूरा हुजूम है यहाँ पे और यही वो लड़की है जो यहाँ पे लगभग 24 घंटा हो गया है यहाँ पे बैठी हुई है। क्या मैटर है जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रोजी खातून। रोजी खातून जी। क्यों बैठी है यहाँ पे? जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए बैठे हैं। किससे प्यार करती है? आशीष कुमार से। आशीष कुमार से जी। कितना दिन से? साल भर से। एक साल से जी। इसके पहले तुम्हारा कहीं शादी भी हुआ था? नहीं है? नहीं। झूठ बोल रही है। नहीं हुआ था। नहीं हुआ था शादी? नहीं है? नहीं हुआ था। अरे मुझे जहाँ तक जानकारी है कि नहीं, कहीं मेरा शादी नहीं हुआ था, कहीं कुछ भी नहीं। हम ऑर्केस्ट्रा में डांस करते थे। तुम ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी? तब ये हमको अपने प्यार में फंसाया। उसके बाद हम ये भी बता देते हैं कहाँ जो बोल रही हैं कि मधुसारे में हम डांस करते हैं। मधुसारे में हम डांस नहीं करते, हम सालादपुर डांस करते हैं। हाँ। गुड़िया ऑर्केस्ट्रा में। तो कैसे तो इसे जान पहचान? ऑर्केस्ट्रा में आए थे। ऑर्केस्ट्रा में हमसे मिले, बात किए, नंबर लिए, बात विचार सब कुछ चला। उसके बाद हमको झांसा में फंसा के हमसे पैसा लेते गए लेते गए लेते गए। अब कैश लेने का कोई गवापति नहीं होता है। जब लड़का आगेगा तो वही बताएगा ना। लड़का को वो बुला नहीं रही है, लड़का को ये भगा दी है। कौन भगा दिया? इनकी माँ भगा दी है। क्या जानती है अपने बेटे के बारे में? कहाँ है, नहीं है? वो जान नहीं है। तुमसे प्यार था, तुमसे बातें हो रही थी, तो तुमको पता होना चाहिए। हमसे प्यार था, हमसे बात हो रही थी, हमसे शादी करने के लिए तैयार था। बोल रहा है मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं। हाँ। अभी तो कल के डेट में मान रहे थे। अपने माँ बाप की बात मानती हो? क्यों नहीं मानते हैं? मानते हैं। माँ बाप से पूछ के प्यार की थी? नहीं, तो माँ बाप से तो माँ बाप को लेकर नहीं आए। कैसे अपने माँ बाप का बात मान? तो हम माँ बाप को लेकर नहीं आए हैं ना। जब माँ बाप का बात हम नहीं मानते थे तो माँ बाप को हम लेके नहीं आए। तो उसके माँ बाप को तुम परेशान कर रही हो ना? हम परेशान कहाँ कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं हमको रखिए बस, और क्या। जब तक वो नहीं आता तब तक हमको रखिए। वो आएगा, वो उसके मुंह पे बात होगा। तो उससे तुम बात करो ना। मेरे पास नंबर नहीं है उसका। मेरे जो नंबर पे फोन करते हैं वो नंबर चेंज करके उसकी माँ नया सिम दे चुकी। यहाँ बैठने का मकसद क्या है तुम्हारा? अब मान लो नहीं आएगा तो क्या करोगी? हम इसी घर में रहेंगे। कैसे? नहीं तो यहीं पे बैठेंगे। अरे उसके माता पिता तो नहीं बोला था ना कि तुम जाओ प्यार करो? या उसके माता पिता से तुमने इजाजत तो नहीं लिया था? नहीं नहीं लिया था ना। नहीं। अगर वो कहीं भाग गया तब तुम वो लोग नहीं रखना चाहते, कैसे रहेगी यहाँ पे? वो भागा नहीं है। हम पूरा पूरा बता सकते हैं कि वो कहीं नहीं जा सकता है। वो ऐसा लड़का है जो कहीं जा ही नहीं सकता है। ये खुद रिलेशन में कहीं रखी पता है तो फिर उसको ढूंढ लो। हम क्यों ढूंढ ले? जब भगाई है ये तो ये ना ढूंढ के लाएंगी। 112 की पुलिस तुमने बुलाई है? हाँ, हम बुलाए हैं क्योंकि हमको मार रहा था लोग, हमको काट रहा था लोग। आवेदन दोगी तब ना कुछ कार्रवाई होगा? तो आवेदन जाएंगे कल देने। कल हमको बड़ा बाबू बुलाए हैं। कल बड़ा बाबू बुलाए? हाँ, रात में भी प्रशासन आए थे तो रात में भी बात हुआ। कल हमको आज मेला है कहीं का, इसलिए हमको कल बड़ा बाबू बुलाए हैं। जाकर वहाँ आवेदन दो। यहाँ बैठने से क्या होगा? कल हम जाकर आवेदन देंगे। कितना पैसा तुमने लिया है? 2 लाख रुपए। अभी बोल रही थी कर्जा भी ली है। हाँ, कर्जा लेकर दिए और कमा के दिए। कर्जा कौन बोला था लेने? यही बोला था। कौन? आशीष। आशीष बोला था? हाँ। कर्ज लेने के लिए? हाँ। किसके नाम पर है वो? मेरे नाम पे है। और पैसा क्या हुआ? इसी को दिए हैं। अब ये जाने क्या हुआ? को? हाँ। कैश में दी हो या ली? कैश में दिए हैं। क्यों? तो कैश किस में दिए? कैश हमको मिले हमारे फोन पे। बार बार प्रूफ को बोल रहे हो कि प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए, क्या है नहीं है। तो एक बात तुम बताओ, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए का प्रूफ क्या है कि तुमने आशीष को दिया? मेरे पास मेरे मालिक कागज बनाए हैं जो एडवांस लिए हैं। हाँ। वो है। अरे तो तुम ली हो ना, तो उसका ना वो लेके हम उसको दिए हैं ना। तुमने आशीष को दिया, उसका प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? उसका प्रूफ मेरे पास कुछ नहीं है। फिर कैसे तुम आरोप लगाओगी, कैसे सिद्ध करोगी उसको? वो आएंगे तो खुद बताएंगे, सामने आएंगे तो खुद बताएंगे। हमको सामने उनको ला के खड़ा कीजिए लोग, हमको उनसे मतलब है। हमको हमको ये नहीं, हमको घर में रखना है। घर में रहेंगे, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक इसी घर पे रहेंगे। कि जब जब तुम एक साल से एक साथ में थी, प्यार करती थी, तो उसके साथ में रहना चाहिए ना। तो झूठ का हमको झांसा दे रहा था ना वो। वो बोला कि अब तुम ऑर्केस्ट्रा में, जब मेरे घर वाले राजी हो गए तब तुम ऑर्केस्ट्रा। उम्र क्या है तुम्हारी? अब उम्र हमको नहीं पता है, मेरे माँ बाप को पता है। तुम्हारे माता पिता को पता है? इतनी बड़ी हो गई है और तुमको झांसा दे दिया। तुम्हारा मन मर्जी नहीं था? मेरा भी मन मर्जी था। तो फिर
मनमर्जी प्यार करके थे ना, शादी करके, वो सिर्फ हमको शादी करने के लिए झांसा दिया है कि हम तुमसे शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे, उसके सिवा और किसी से नहीं करेंगे। तो शादी क्यों नहीं की? तो वो जाने ना क्यों नहीं किया, बोल रहा है मेरे मम्मी पापा मान जाएंगे तो राय मसौदा हो जाएगा। माँ इनकी बोली है कि 6 महीने के बाद करेंगे, साल भर के बाद करेंगे। माँ इनकी यहाँ पे बैठी है। आशीष राउर बेटा हूँ। हाँ, हमारा के बैठल बा रउवा दुआरी पर का जाने का करना चाहिए आई रउवा नहीं चिन्ह ना हम नहीं चिन्ह तो कह तारी कि हम यही जीरो है जब लोग आशीष ना आई है आशीष किन ले हो या कोई ले तब न रखी है आशीष के लेके आवास आशीष के लेके आवास भगा दल बड़ी ना ये बात कभी लगा मोबाइल नहीं के 10 दिन पहले मोबाइल छीनवा लल बड़ी की का कोई ले बड़ी हमारा मोबाइल से वो बात कहू है। 8 बजे रात ले बात भइल बा, 8 बजे रात खान से ही इनके से बात भ गए, होने ले जाकर बात कहू मोबाइल लिया के हमारा गोदी में बिक दे वही बेरा के भागल बा हमें नहीं ना ये बेरा लेना कहीं पता बा ना फोन बा ना ठिकाना बा कह तारी 2 लाख रुपया लल बड़ा हमारा नहीं के पता जी लल बा की वो जानतारी तो कहा तारी घर में रहे के ना हम ना रखे हम ना रखे कौना सबूत पर बताई कौना सबूत पर रखे हमार बेटा शादी कैले बा हमार बेटा हमरा से कहले बा जो हम लिया तनी लेके आइल बा जो हम रख ली अब हमरा मालिक के घेंटुआ के मरले रहियो ए जा ईंटा बा होने ईंटा चला दे लियो काय रखे हम अपना बेटा के हुक में 5-3 दिन से बानी ई होई बे से टॉर्चर देत रही जल्दी बुलाओ हम भेज लई नहीं कि तो कहां से बोलई कहते रही भगा दे ना हम ना ना बात करते रही हम भगा देनी हो 9 महीने के कमी नहीं रख ले पड़ी जब उनका तनखा के टाइम होता तब हॉस्पिटल में गिर जात रही तब पैसा भेज दी उनका मोबाइल पर 15,000 का महीना मिलत रहा एको को रुपया हमरा के नहीं गंदे ला आरोप लगा रहुआ बेटा पर कि लूट ले मैंने लड़का ठीक बा रहुरे लड़का होकर कमा के नहीं दिले तो झूठ बोलता हम झूठ नहीं की बोलत हम सही बोलते नहीं हम ए बार 1.5 लाख रुपया हम कर्जा कर चुकल बनी हमने के खाए खातिर आज 3 महीना के बीच में और 9 महीना से कमी नहीं उनके के दिले बड़े हमारा के 1 रुपया नहीं खन दिले जान कहत गई तहन करत गईल हन तुम बताओ तुम अभी बोल रही थी कि हमको या तो हम शादी करेंगे या नहीं तो हमारा जो पैसा लिया है वो हमें दे दो वापस बोली थी ना तो कहीं पैसा वसूलने के लिए सारा नौटंकी तो नहीं की है तो? नहीं हमको पैसा से कोई मोहब्बत नहीं है आ? हमको पैसा से कोई लेना देना नहीं है हमको शादी करना तो बोली है ना हाँ तो बोले हैं हाँ बोले हैं तो पैसा वसूलने के लिए नहीं हम बोले हैं क्योंकि हम उतना कमा लेते हैं लोग हम लोग का जो धंधा है हम लोग उसमें उतना कमा लेते हैं इसी घर में हम आके 4 दिन रहे हैं तो उस टाइम हमको क्यों नहीं भगा दी क्यों नहीं निकाल दी जब हम 4 दिन इस घर में थे तो उस टाइम हमको इस घर से निकालना चाहिए ना कि तुम किस अधिकार से इस घर में 4 दिन रह रही हो तुम मारपीट कर रही हो हम मारपीट हम नहीं किए हम अकेले दे कैसे 2 आदमी 3 जब हम ईटा चलाए थे सर तो ये ईटा वहाँ पे रहने देना चाहिए ना जहाँ पे हम चलाए थे वहाँ पे ईटा रहने देना चाहिए ईटा अपने आप उठ के चला आता है अपने जगह पे कब से है धरना दे रहे हैं कल से है कल रात सुबह से है 9 बजे से तो अभी 112 की टीम बोली है कि थाना पे जाओ तो जाके वहाँ आवेदन हाँ, हाँ देंगे फिर यहाँ बैठने से कोई फायदा है देंगे नहीं कोई फायदा नहीं है आपसे बैठने से यहाँ पे आवेदन देंगे फिर आके बैठेंगे वो खुद बोल रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ गायब करवा दी गायब खुद करवाई है हम नहीं करवाए तो बोल रहे हैं तुम गायब हम नहीं करवाए हैं खुद गायब जब हम गायब करवाते तो हमको इनके द्वार पे आने की क्या जरूरत थी हम जब उसको गायब करा तो तुम इनके द्वार पे नहीं आते तुम मत उल्टा फंस जाना देख तो पैसे की डिमांड कर रही हो नहीं पैसा हमको नहीं मिलना चाहिए हमको उसके साथ रहना है अभी तो बोली है ना तुम्हारा स्टेटमेंट है कि हमको पैसा दिलवा दो हम शादी नहीं करेंगे शादी नहीं करेंगे नहीं वो सामने आए वो बोले कि हम उस हमको नहीं जानता है तब उसके बाद बात होगा अभी वो अब तुम्हारे ऊपर वो आवेदन देंगे मेरे बेटे को किडनैप करवा दी वो ठीक है जब किडनैप करवा दिए तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जब हम किडनैप करवा दिए तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जब हम उसके बारे में जानते हैं कि हम किडनैप करवाए हैं उसको हम कहाँ रखे हैं क्या करते हैं तो हम उसके पास ना हमको रहना चाहिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जब जब यहाँ पे आए जानो ना जब हम यहाँ पे आए तभी लड़के को भगा दिया तुम आपस में जब बात करते थे तो इनसे बताया था हाँ तुमने बताया था हाँ यू बताए थे हम तुम अपने मम्मी पापा को बताई थी कि हम उससे प्यार करते हैं उन लोगों का इजाजत था मेरे पापा नहीं है मेरी मम्मी है बिना शादी किए बोल दिया कि जाओ रहो एक साथ रहो नहीं बोला वो बोले कि ठीक है जब बात करता है शादी करेगा तो ठीक है जब उस समय टाइम आएगा तो शादी कर दिया जाएगा इसकी माँ बोली हमसे कि साल भर रुक जाओ 6 महीना रुक जाओ
तभी ना रुके थे। जब एक बैग जब आखिरी में जब हम तंग हो गए कि हाँ हमसे नहीं, लड़का को अपने भगा रही हैं, लड़का को अपनी कर रही हैं, तब हम यहाँ पे आए हैं। खुद वो जहाँ से मैं हमको रखी थी, हमको खाना बना के खिला भेजा जा रहा था, हमको 4 दिन इस घर में रखा गया था। जब हमारे से कोई मतलब नहीं था तो हमको 4 दिन इस घर में क्यों रखा गया था? 1 साल हो गया तुमको रिलेशन में? हाँ, 1 साल हो गया। 112 जो है इस पर डायल 112 टैप पर आया है, मैसेज आया है कि एक लड़की, कौन सी नाम है ये लड़की, आके बैठी हुई रोजी नाम की, खातून नाम की बैठी हुई है। जो है शादी कुल प्रेम प्रसंग का ये मामला चल रहा था, तो वो शादी करने के नियत से यहाँ बैठी हुई है, यही मैसेज गया था। हम लोग आए हैं, इसके बाद आप लोग भी मीडिया वाले आए हैं, आपके समक्ष ये सब बयान दे रहे, यही मामला, और विशेष कोई मामला हमको जानकारी नहीं।